ऊपर कबीर भाई यहीं पे लैंड कर दो। यार आप लैंड करो, नीचे मैदान है, लैंड करो लैंड। कबीर भाई अभी मूव ना करो यार, अभी पता नहीं किधर है। एक मिनट गुड मॉर्निंग जी, ये है हमारा हाल। कोई नहीं, क्योंकि अभी तैयार होने वाले हैं और इस वक्त हम ढूंढने वाले हैं, यहाँ भी सामान इस तरह पड़ा हुआ है। जुनैर जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए। अभी उठे, काफी लेट है, लेकिन जाना कहाँ है? दो मेडोज हैं और दोनों की बैक साइड पे बुनीज, एक की बैक साइड पे है पहाड़ी, उसका नाम है तिरचमीर जो कि हिंदुकश की सबसे ऊंची, और एक पे बुनीजून, उसके आगे मैदान है और बड़ा खूबसूरत लश ग्रीन मैदान है, उसको देखने जा रहे हैं। उधर हाइकिंग होगी? वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन गाड़ी हमारी इंशाल्लाह इजीली जाएगी। वो आगे हम पे डिपेंड करता है कि हमने टीटो पार्टी लगानी है या नहीं लगानी। रोजा रखा है आपने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा कैसे छोड़ सकते हैं, बल्कि रोजा रखने की वजह से तो हम लोगों ने आज अपनी नींद पूरी की है, क्योंकि हमने कल सारा दिन रोजे में मेहनत की थी, तो आज हमने कहा कि नहीं इस तरह ना हो गए हमारे रोजे खराब हो जाएं, इसलिए 2-3 दिन लगातार चल के हमें एक दिन रेस्ट चाहिए होगी रोजों की वजह से इंशाल्लाह। और आज हमारा होस्ट होगा इकराम भाई। हाँ वो देखें, इकराम भाई सामने बैठे हुए किधर हैं? वो देखें, और ये बेचारे पता नहीं कब से इकराम भाई वहाँ हैं, उनसे अब इंशाल्लाह आपको मिलवाएंगे। पता नहीं कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा तैयार ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ, खुदा के लिए आप सबको मैंने उठाया। अरे यार रोजा है यार, इस तरह नहीं बोलते आप। ये होता है जी ट्रेवलिंग में। बच गए? आप बचत हो गया? मैं थोड़ा लग गया, लेकिन चले। ये रास्ता देखें, ये यहाँ से गुजरना है और ये आगे जाना है। ये देख ले, इधर से सेंटर से जाना है और फिर मैं आपको रास्ता वीरे क्यों रहा है यार, इतनी गजब की जगह और ड्रोन ना उड़ाएं, ज्यादती है अपने आप के साथ। जुनैर ने जबरदस्ती कबीर भाई को कहा कि गाड़ी रुकवाओ, यहाँ पे मैंने ड्रोन उड़ाना है। ट्रेवलर के साथ ट्रेवल करोगे तो ये हालत तो होगी। गाड़ी अभी देखे कहाँ पे खड़ी की, और यहाँ पे हजर हमारे हुजूर साहब जो है वो अभी ये देखे, घूमो जी घूमो, और भी घूमो। चक्कर हाँ, एक तो रोजा है कि आप घूमते रहो, शाबाश।
गजब की खूबसूरती दिख रही है जनेर। हाँ ना, और वाह, चतराल इतनी खूबसूरती कभी सोचा नहीं था। इट्स अमेजिंग माशाल्लाह। मेरे किस तरह लग रहा है सीन? सियार है, गजब 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 जुलम के सामने है, जुलम का जुल्म शदीद है, कबीरा कबीरा तो राइट साइड पर। इसको मैं स्पीड डालूंगा इसके ऊपर 300 की इन शॉट के अंदर, और नीचे लिख दूंगा ड्राइवर अनएथिकल था। इतनी खतरनाक जगह पे गाड़ी भगा रहा था। राम नाल, राम नाल। ये थे कब? आए आए आए, आप जाने दें। मेरा मतलब ये था कि हाँ जी, वो आ गया, वो तो आ गया, वो आ तो गया। वो पहाड़ी पहाड़ी को ये उधर से लेगा, इधर से तू मुझे दे, ये मुझे दे, ये है ना। अब इस तरह करता हूँ, इसके बारे में बताएं क्या होने वाला है। इंतहाई खूबसूरत है, टाइम है थोड़े ड्रोन शॉट के, जिस तरह हम हर व्लॉग में ऐड करते हैं। तो नज़ारे अगर देखा जाए, फिर इस तरह के रोड को देखा जाए, तो मेरे ख्याल में सबसे आइडियल जगह यही है। ये जी यहाँ के बच्चे माशाल्लाह, पता नहीं कब के गए हुए थे उधर ऊपर, अपनी पिकनिक ख़त्म करके वो जा रहे हैं। और ये जी हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े बड़े टिकटॉकर्स, एक सीन के लिए दो दो घंटे लगा रहे हैं। तो ये भाई बहुत बड़ी जाती है, जुलम है। इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। इस बंदे को हमने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, वो तो जो दिखती है वो बिकती है, तो इसलिए बेहतर है हम आपस में कोई इंसाफ कर लें तो ज्यादा बेहतर। ये बात मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बात से चलो डील कर लेंगे। नहीं मसला है ना, गिर जाएंगे यार इसमें। आप अपनी साइड को एहतियात करें, इधर से नहीं। इसमें ये मैंने रखा है ना कि ग्राउंड वो टूट ना जाए, स्पेस को ना देखो, ग्राउंड को देखो। ठीक है, आप ठीक है, मेरी तरफ से क्लियर है। जाने दें कबीर भाई, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह है और स्लिपरी है बहुत ज़्यादा। हमारी दुआ है कि गाड़ी सही सलामत इस पार हो जाए। आ जाए कि नहीं, हाँ इसे तकाने दे, खाने दे, अजर अजर सी तरह टेट रहा है, टेट। वेल डन कबीर। इकराम भाई जगह का नाम सही बताए और कहाँ पे हमने जाना है और कितना टाइम लगेगा? इस जगह का नाम जो है शुपशन मीडो है, शुपशन मीडो। अच्छा, तो तकरीबन अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये समझे सेंटर है, तो इधर से आगे तकरीबन हमें कोई लगेंगे 20-25 मिनट और लगेंगे, क्यों रास्ता तंग है, कई जगहों पे हमें रिवर्स पे जाना पड़ेगा और कई जगहों पे मोड़े हैं ज़्यादा हैं, तो थोड़ा एहतियात से जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से हमने वापस हो जाना है क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। ये देखिए एक रोजी की हालत। इकराम भाई ये हमारे साथ जुलम है कि नहीं है? जुलम है, जुलम है, जुलम की इंतहा है। बहुत पहले आपने घबराना नहीं है, बस घबराना, घबराई गए यार, घबराना क्या, हम तो घबराई गए। वीरे वापसी है? वापसी। चले जी, कहाँ पे जाना है? पूरा मुड़े
वहाँ से नीचे उतरे, अब यहाँ पे अफ्तारी के लिए सामान लेना है क्योंकि अभी जो हमारा दूसरा स्पॉट है अफ्तारी जो है हमने वहाँ पे करनी, जुनैद ले लिया जूस मैंने रख दिया, तो अभी यहाँ पे सामान ले रहे हैं और अफ्तारी के लिए हम जा रहे हैं बहुत ही जन्नत नजीर जगह पे। अच्छा जी, इस वक्त पहुंच चुके हैं बुनी ककलश और ये जो लैंडस्केप है पाकिस्तान में इससे बेहतरीन लैंडस्केप मैंने कहीं नहीं देखा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे पीस है, अमन है, सुकून है। कबीर भाई भी साथ में है, जुनैर भाई भी साथ में है और यहाँ का जो लोकल हमारा दोस्त है मेरा प्यारा भाई, मैं नाम भूल जाता हूँ, इकराम भाई हमारे साथ है। यहाँ के कुछ ड्रोन शॉट ऐड करेंगे। जुनैर यार, आके यहाँ के बारे में कुछ भी बता दे ऑडियंस के लिए। ये सारा बुनी है और ये ककलश मेडोज है, मेडोज चरागाह को बोलते हैं, खूबसूरत चरागाह को। तो जितनी खूबसूरत चरागाह हैं अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को दी हैं, पूरी दुनिया में शायद किसी के पास ना हो। एक बार नीचे देखें और पाकिस्तान से मोहब्बत किए बगैर ईमानदारी से बताएं स्विट्जरलैंड को जूतियाँ मारती है या नहीं। क्या बात है, अरे वाह। ये ड्रोन कहीं जुनैर और कबीर से गुम हो गया और वो कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन को पकड़े। तो ये होता है ट्रेवलिंग में, एडवेंचर में। अच्छा जी, तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ड्रोन हमारा गुम हो चुका है, तो हमने दोबारा जाना है ड्रोन को देखना है कि कहाँ पे है। कबीर भाई आ रहे हैं उधर से। ये रास्ता पहचान लो अच्छा ये जगह, क्योंकि इसमें हम ये अगर लैंड करें तो हमने फिर उठाना होगा हमारी गाड़ी। बैटरी सिर्फ 6% है यार। बस सिर्फ ये जगह पहचान लो, ये जगह
अगर ये मैं वो उधर जाके खड़ा हो रहा हूँ, आप मुझे देखिए, मैं नजर आता हूँ। ड्रोन की तलाश जारी है और 15 मिनट बाकी है। जुनैर भाई की ड्रोन सिग्नल से आउट है, गुम नहीं गई, पड़ा है, मिल गई है, ऊपर। लैंड कर दो, लैंड कर दो कबीर भाई, यहीं पे लैंड कर दो। अरे यार आप लैंड करो, नीचे मैदान है, लैंड करो, लैंड लैंड करो। अलग अपन नजर राजी, कबीर अपन नजर राजी लैंड का। कबीर भाई अभी मूव ना करो यार, अभी पता नहीं किधर है। एक मिनट एक मिनट, ये आपकी वीरी की जान अटक गई थी, ड्रोन गुम हो चुका था और खान साहब ने ड्रोन ढूंढ लिया। वीरे आ जा, वीरे क्या आता सुरात है, ये ड्रोन मिल गई वीरी की। वीरी की हालत बहुत खराब है, वीरी बता दे आपकी जान मिल गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 3 लाख की बचत हुई है, घर फोन करेंगे अभी सदका दें। यार मेरा तो भी शुक्रिया था करो, इतना दौड़ा मैं। अरे अगर आप होम मारेंगे ना तो जो डिस्टिनेशन आप छोड़ के आए हैं ये उधर जाएगा। इस बार मसला ये हुआ कबीर, इतना आपने यार ड्रोन उड़ाया है फिर भी आपके ऑपरेशन से वो ड्रोन हमारी, हम चेस काफी तकरीबन 2 किलोमीटर दूर कर चुके थे ना। अच्छा। तो ड्रोन इतना दूर पहाड़ों में चला गया कि रिमोट से इसके सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गए। बैटरी हो ना 20%, मैं खुद ही वापस ले आता हूँ, खुद मैनुअली लाना पड़ेगा। तो मैनुअल ले आता हूं। ऑटो लैंडिंग का मींस के ये उस जगह जाएगा जहाँ जब इसको खत्म किया था आपने, फौरन इसको मैनुअल करना था, तो मैनुअल हमने किया नहीं। बस मिल गई ड्रोन यार, मैंने बुला दिया, आ जाए बैठे बैठे, आ जाए। اسمه شيء في الارض ولا في السماء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث